लिया पैसा है, पुलिस खरीद लेंगे, कानून खरीद लेंगे, सब कुछ खरीद लेंगे। और कोई भी नहीं रहा, हमारे पापा जो हमारे कमाने वाले थे उनको मार दिया गया, उनको मार दिया गया। हमारी गलत वीडियो बनाई गई, हमारे साथ हमारे पैरों के टुकड़े, हाथों के टुकड़े, हाँ हमारी बहुत गलती हुई, हमारे साथ न्याय हो बस। क्या नाम है? मेरा गुड़िया सिंह। आप कहाँ से आए? मैं बलिया के रहने वाली हूँ और मैं यहाँ पे खेती बाड़ी का काम करती थी, मैं और मेरे पति। यहाँ से ये जिला फरीदाबाद है, गांव मंझावली से 2 किलोमीटर भीतर भाटी फार्म हाउस, सबोध भाटी फार्म हाउस। आपने बहुत सारे पोस्टर लगा रखे हैं, इसमें किसी व्यक्ति पर गोली का निशान है, एक पड़ी हुई है, शायद आपकी फोटो है, ये लड़का लड़की पड़ी हुई है, कौन लोग? मेरे परिवार है जी, मेरे पूरे परिवार है। अभी आपके साथ कोई है? हाँ, बेटा कौन सा? बेटा इनकी लड़की। और आप ये बेटी है? एक ये बेटियां हैं। ठीक है, बताइए तरीके से, बताइए घटना कैसे। अब घटना ये हुई थी कि हमारे पीछे लगा हुआ था, इससे पहले से कह रहा था कि अपने 2 बेटियों की शादी मेरे कहने से करो, तो हमारे पति और हम दोनों ऑब्जेक्शन उठा रहे थे कि हम क्यों आपके कहने से करें, हम अपने गांव, हम जात हमारा राजपूत है और हम जाके अपने घर ही करेंगे, यहां कुछ नहीं करेंगे, हम खा कमा रहे हैं, वो बेशक अलग बात है। तो इस तरीके से ये पर नाराज रहता था, कभी कुछ करवाता था, कभी चलान कटवाना, कभी नौकरी पर से हटवा देना, कभी कुछ और खेत चरवा देना। 29 तारीख को खेत चरवाया और इसके बाद की वीडियो हमने मीडिया पर दे दिया कि हमारा खेत हरसल चरवा देता है। ये फसल मूली का खेत था, घिया का था, फूल का खेत था, जिसमें स्पष्ट रूप से वो चरा रहा है, दिखाई भी दे रहा है। और उसके बाद ये 30 तारीख को साजिश किया और धमकी दे के गया इरा केस में करमवीर की, और ये कल्लू मोहित, इनकी 4 पत्नियां हैं। 112 के सामने धमकी दे के गया, जिसकी हमने SHO को दिया कि सर हमारे जान को खतरा है, हमें बचाया जाए। इसके बाद SHO ने कोई संज्ञान नहीं लिया और वैसे बता रहा था कि हमारा दोस्त है, कोई नहीं कुछ नहीं होगा तुम लोगों को। उसके बाद इन्होंने हम पे हमला कर दिया, लोहे की रॉड सरिया से वार किया, हमारे हाथ पांव सारे तोड़ दिए, हमारी इसलिए वीडियो भी बनवाई। बताओ मम्मी, देखिए आप लोगों ने कंप्लेंट नहीं करी इसका? ये बाद में दे देना वीडियो, हमारे को बाद में दे देना। ये रिकॉर्डिंग है दलवीर SHO, यहाँ पर तो ये हमें मारने के लिए आए हैं। आप कह रहे हैं कि हम कोई नहीं मारने के लिए, कोई भी तेरे नजदीक नहीं आएगा, मैं यहाँ दूर बैठा हूँ आपसे, कोई नहीं आएगा। आप बैठा हूँ ये राकेश है, इनके घर नहीं आएगा, ये आपसे बहुत दूर है और दूरी रहेंगे, वापसी गाँव जा रहे हैं, कोई नहीं रहेगा। अब ये सब मैं कोई बनावटी बात नहीं कह रही हूँ, तो अब ये मतलब इनके लापरवाही से हमारे पति का हत्या कर दिया। सुबेरे सुबेरे 6 बजे आया, बलकटी पता नहीं क्या चीज मार के गया, पांव कट के अलग हो गई, खून बहने लगा, हम लोग सब चिल्लाने लगे, हम सबका मोबाइल छीन लिया, 2-3 मोबाइल तो तोड़ दिया, उनके जेब में छोटी मोबाइल थी उसको भी तोड़ दिया। तोड़ने के बाद फिर से ये आया दोबारा, एक लड़की थी 14 साल की, वो एक मोबाइल लेके भग गई थी, उसको भी बहुत ढूंढा, लेकिन हुए फिर 9 बजे फिर सबको बुलाया, इतने हम लोग निकल ही नहीं पाए घर से, ये तो घेरा हुआ था, तो उसके बाद निकल नहीं पाए, तो फिर आकर के 9 बजे वो इतना आकी बाकी था सब पूरा कर दिया, सबको मार के बेहोश कर दिया, सबकी हाथ पांव दोनों हाथ दोनों पांव तोड़ के और मरने के काबिल करके, और जब जाके भगा वहां से, और कह रहा है हम तो कैमरे में बैठे हैं, तो ये फुटेज निकाली जाए 3-4 दिन पहले से कि ये कैमरे में 3 दिन पहले से बैठता था, पेट्रोल पंप है वहाँ कैमरे में बैठा है, एक रमेश नाम का इसका भाई है, एक धनेश है, एक आप आरोप लगा रही, वो आरोप उनका आपका FIR थाने में लिखा नहीं गया क्या भाई? लिखा गया है लेकिन तो करवाई नहीं हुई, दो ही पकड़े गए हैं, कल्लू मोहित जो भैंस चराया था तो वही पकड़े गया है, और मेन आरोपी है करमवीर वेरा केस, रमेश धनेश ये सब इनकी पत्नियां हैं, 4 सबसे इनसे भी ज्यादा साजिश करता है, एक नंबर की गुंडी है वो। जो जमीन आप लोग रोड बो रहे थे, खेती बाड़ी कर रहे थे, वो अपनी थी या मतलब लीज पे? किराए पे जी, इन लोगों की थी वो जमीन ना, दूर दूर तक कुछ इन लोगों की जमीन नहीं थी, जिस पार्टी से आपने जमीन ली थी उनसे कहीं इनकी रंजिश तो नहीं ना? उनसे कोई रंजिश नहीं थी, रंजिश पर ऊपर इसको हमसे था, क्योंकि हम लोग इसके दबाव में नहीं रहते थे। उसका कहने का मतलब ये 2 बेटियों की शादी जो है हमारे हाँ, से कर दिया जी, जी, जी। आपने मना किया, उसके बाद में वो आपके आपके साथ दुर्व्यवहार करने लग गया, खेत में आपके चरवाने लग गया जी जी। और बताओ बेटा आप हाँ। ये उसी दिन से हमारे खिलाफ हो गए जी, और हम पे दुश्मनी, हमारे पापा को धमकी दी थी कि तूने ये अच्छा नहीं किया, अब से अपने बुरे दिन गिनना शुरू कर दे, और किया भी इसने ऐसे ही,
खेतों में कभी भैंस चरवा देता था, कभी किसी के साथ में हमारी लड़ाई झगड़े करवा देता था, कभी नाम लिखवा देता था, तो कभी हमारे जो एक फार्म हाउस है उधर शराबियों को बैठा देता था कि जाओ दारू पियो, उधर गुंडागर्दी करो। उस पे हमारे पापा जी बोलते थे, हमने SHO को कई बार एप्लीकेशन देते थे तो SHO बोल देता था ठीक है कोई बात नहीं, हम कार्रवाई कर देंगे, आप घर जाओ। उस पे कोई कार्रवाई नहीं होती थी और ये लोग स्पष्ट रूप से खुल के बोलते थे कि हमारे नाम की तुम लोग FIR दे, जहाँ तक जो कर सकते हो उखाड़ लो, जो उखाड़ना है कर लो, हमसे बैर लेके तुम अपना खोओगे, कुछ पाओगे नहीं। मतलब विभिन्न मतलब बहुत विभिन्न प्रकार की धमकियां देते थे। हमने 3 साल से सर, हमने 3 साल से CP कमिश्नर डी DSP सबके नेता मंत्री सबके पास में चले गए, इनका ये हमारे खिलाफ से कर 3 साल से पीछे लगे हुए हैं। ये जो है मामला कब का, ये मामला है जी 29 सितंबर को इन्होंने हमारे खेत में एक इनका राकेश शर्मा का भतीजा है कल्लू नाम का, उसने भैंस चरा दिए, तो उन भैंसों को निकालने के लिए हमारे पापा बोल रहे थे कि फसल क्यों चरवा रहे हो, भैंसों को निकाल दो। तो हमारे पापा को बहुत अश्लील गालियां देने लगा मतलब, तो फिर मैं मौके पे वीडियो बना लिया उनके, उसने वीडियो में गाली वाली तो नहीं दी। और जो मोटरसाइकिल पे सवार होके, आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, मोटरसाइकिल पे सवार होके वो अपने भैंसों को निकाल रहा था, और फिर उसके बाद में भैंसों को निकालने के बाद में, आप घटना बताओ हमें, हाँ, निकालने के बाद में उसने अपने घर वालों से फोन करके एक गाड़ी लेडीज और 5-7 लड़के बुला लिए लाठी डंडे लेके। उस दिन हमने 112 पे BT की थी, 112 की पुलिस मौके पे मौजूद थी, मौके पे पुलिस के सामने भी वो डंडे लेके मारने आ रहे थे, बोल रहे थे 112 और SHO हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तुम हमको जानते नहीं हो और ये तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा, हम 1-2 दिन में तुम्हारा ऐसा हाल कर देंगे ना कि तुम उठ के पानी भी पीने लायक नहीं रहोगे, ऐसी धमकियां देके गए हो जी। तो हमने एप्लीकेशन दी थी SHO साहब को और कॉल पे बोला भी कि हमारे साथ में जानलेवा हमला हो सकता है, तो SHO इन्वॉल्व था जिनसे, SHO ने कई बार बोला भी है आप किसी के खिलाफ भी दरख्वास्त दो पर मेरे पास में राकेश के नाम की दरख्वास्त लेके मत आओ, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और सभ्य आदमी है, सामाजिक आदमी है। एक सभ्य सामाजिक आदमी को ऐसी घटिया बातें शोभा देती है, इसने गाली गलौच भी की है कई बार हमारे साथ में, पापा से मम्मी से फोन पे तक गाली गलौच की है, जो हमने कहा है भाई साहब आप क्यों ये काम कर रहे हो, वो काम कर रहे हो, क्यों भेजा है। अड़ोस पड़ोस के लोगों को भेज देता था बोल के कि वहाँ पे गंदे लोग रहते हैं, ऐसे ऐसे मतलब विभिन्न प्रकार की जो बदनामियां फैलाता है, बहुत सारी बदनामियां फैला चुका था। और फिर ये 1 अक्टूबर को सुबह 6 बजे की बात है, मैं और पापा और मेरी 2 बहनें हमने खेतों में अपनी फसलों की नलाई खुड़ाई कर रहे थे, तो सुबह सुबह ये राकेश सरपंच और करमवीर वे उनके भतीजे सोनू संदीप नवीन और क्या नाम है कल्लू, ये सब दूसरे रास्ता है, एक रास्ते पे कैमरा लगा हुआ है जो इनके गांव से होके आता है, एक रास्ता है जो खेतों के लिए आता है, तो ये खेतों के रास्ते से आए थे बाइक ले लेके। तो सबसे पहले उन लोगों ने पापा को मारा, फिर मतलब मैं वीडियो बनाने लगा तो मेरा फोन छीन के वहीं पे तोड़ दिया और फोन जब्त कर लिया सबके फोन जब्त कर लिया और सबको मारा पीटा, मतलब सबके हाथ पैर तोड़ दिए, लगभग तोड़ दिए। उसके बाद में दोबारा 9 बजे जब छोटी वाली बहन जान बचा के भाग गई थी, तो उसी ने ही पुलिस वालों को बुलाया, कंफर्म किया, एम्बुलेंस वगैरह, तो हमें हॉस्पिटल ले गई थी। तो ये लोग दोबारा आए थे, 9 बजे आए और 9 बजे आके जो बचे खुचे थे उनको भी ढूंढ के मतलब मारा पीटा, और मेरे आंखों के सामने मेरे पापा पानी चिल्ला रहे थे। तो उनके लिए इनकी घरवाली, इनकी लेडीज जो हैं, उन्होंने इतनी गंदी शब्द निकाले कि इनके मुंह में पेशाब कर दो, ऐसे ऐसे घटिया घटिया वर्ड्स निकाले इन्होंने। और इसके बाद हम बेहोश हो गए थे, मेरी होश यहीं तक। तो आप जो 3-4 महीने संघर्ष कर रही हैं, आप ACP, DCP या क्या नाम किसी गवर्नर से मिलने की कोशिश किया है सब कुछ, कुछ नहीं, बस कह देते हैं कि होगा, कोई मिलने नहीं देता है, कोई कुछ और। और फरीदाबाद पुलिस लड़ते आप फरीदाबाद से लेके हरियाणा सरकार से लेके आप जंतर मंतर पे पहुंचेंगे, आप कुछ ही दूरी पे प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, आप उनको क्या संदेश? मैं संदेश यही देना चाहती हूँ कि हमारे पति का न्याय मिले और हमारे इन बच्चों को और मुझे भी न्याय मिले, क्योंकि ये बात कहा जाता है कि बेटी बचाओ या महिलाओं की सुरक्षा, ये किस कदर का सुरक्षा है कि मैंने बेटियों को नग्न अवस्था में वीडियो, एक राक्षस परिवृत्ति के आदमी बनाता है, मरवाता है, हाथ पांव तोड़वाता है, जबकि हम लोग कुछ गलती नहीं किए, कुछ बिगाड़े नहीं है, इसका कुछ किए नहीं, दूर दूर तक इसका खेत किया और कुछ लेना देना नहीं, तो ये कारण तो इससे पूछनी चाहिए ना इसको गिरफ्तार करके पुलिस को। तो पुलिस इसके कहने पर कह रही है ये तो माननीय नेता है,
किस चीज का नेता विधायक अब ये तो मेंबर है वो हाँ किस चीज का नेता ये तो प्रदीप आईओ बताएगा और महेंद्र तो आप आईओ खिलाफ क्यों नहीं वो कर रही क्या आईओ कोई वो है क्या आईओ हुआ हो गया कोई है हम आईओ को जैसे गांव में सामान वगैरह लेने के लिए जाते हैं घरेलू सामान वगैरह तो इनको देखते हैं गांव में बैठे रहते हैं इसकी एक मिठाई की दुकान है उस पर इसका लड़का परमानेंट बैठा रहता है तो हम प्रदीप आईओ को अपने इस इंचार्ज को कॉल करते हैं कि ये तो गांव में बैठे हुए हैं तो वो बोलता है तो क्या आप बैठे हुए हैं तो उसका सबूत दो मुझे वीडियो बना के दो फोटो दो उसका वीडियो बनाया जाए कि हम वहाँ पे उनका वीडियो बनाने जाए फिर हमारे साथ में कोई हादसा हो जाए बोल रहा है कि हो जाएगा तो हो जाएगा क्या हो जाएगा ऐसे खुद बोलता है हमारा जो इंचार्ज है वो बोलता है केस जो देखभाल करता है प्रदीप आईओ और इनके कहने से ही जो गिरफ्तारियां हो रही है वो राकेश सरपंच के कहने से हो रही है एफआईआर में नामजद है एक दया भाटी है जिसने ट्रैक्टर चला के लाया था सबको बैठा के उसको सीआईए ने छोड़ दी प्रदीप ने 5 लाख रुपए दे के छोड़ दिया है सारे जो मतलब हमारे दोषी है वो घूम रहे हैं खुले में जो निर्दोष है उनको जेल में गिर रहा है राकेश कहता है कि हमने पुलिस खरीद लिया पैसा है पुलिस खरीद लेंगे कानून खरीद लेंगे सब कुछ खरीद लेंगे।